हरियाणा में वर्ष 2014 से लेके 16 तक फर्जी छात्रों के दाखिले के मामले में अब सीबीआई ने जो है मामला दर्ज कर लिया है। 3 एफआईआर जो है सीबीआई की ओर से इस मामले में दर्ज की गई है। इसके साथ साथ जानकारी ये भी मिली है कि जिस तरीके से सरकारी दस्तावेज पर जो है फर्जी सिग्नेचर करके इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया, और इसके साथ साथ जो छात्रवृत्ति और जो मिड डे मील का पैसा भी आता था उसको भी गबन करने का काम जो है इस मामले में जो आरोपित थे उनके द्वारा किया गया है। और इस मामले में जो है पहले भी विजिलेंस की ओर से कई बार जांच की गई और कई सालों तक ये जांच जो है वो चली। मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट जो है इस मामले में जो है असंतुष्ट नजर आया, और उसके बाद इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को दे दी गई, और इस मामले में अब सीबीआई ने 3 अलग अलग एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर 2014 से लेकर 16 तक जो है 4 लाख से ज्यादा जो है फर्जी बच्चों के जो दाखिले जो है वो सरकारी स्कूलों में करवाए गए। मामला जो है वो सरकार के पास पहुंचा था और सरकार ने इस मामले में जो है विजिलेंस जांच के आदेश दिए, और विजिलेंस ने इस मामले में जांच भी की गई। कई सालों तक ये जांच चली और इस मामले में 2 बार एसआईटी का भी गठन जो है वो किया गया, लेकिन जब मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट में जब सभी दस्तावेज पेश किए गए तो हाईकोर्ट मामले की जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उससे असंतुष्ट नजर आया, और अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को दे दी गई। अब नए सीबीआई जो है अब नए सिरे से जांच करेगी, और जिस तरीके से जो जो इसके अंदर मामले में संलिप्त है, जिन जिन के नाम है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की जो है प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। और लगातार अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और अब सीबीआई जो है वो अब अपने तरीके से जो है वो शुरू से जांच करेगी कि आखिर ये पूरा स्कीम क्या था और कौन कौन इसके अंदर शामिल है, और आने वाले दिनों में उन लोगों की भी परेशानी बढ़ सकती है जिन्होंने इस जिस पूरे स्कीम को अंजाम दिया, और कौन कौन जो है इसके अंदर शामिल है। आने वाले दिनों में नए नए खुलासे जो है वो सीबीआई की जांच में हो सकते हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।